अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे शाही कुल्फ़ा, जो कि गर्मियों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा है और गर्मियों में आप इसे बनाकर सर्व कर सकती हैं। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, येट डिलीशियस। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सबसे पहले आप वो नोट डाउन कर लें। खोया हमें चाहिए तकरीबन 100 ग्राम, 100 ग्राम्स के करीब मैं यहाँ पे खोया ले रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, आप उसे ट्राई कीजिए। इसके अलावा फ्रेश मिल्क, फुल फैट मिल्क हमें चाहिए 1.5 लीटर। 1.5 लीटर में फ्रेश मिल्क यूज़ करूँगी, फुल फैट। कंडेंस्ड मिल्क मैं इसमें यूज़ करूँगी 200 ml, जिसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। इसके अलावा फ्रेश क्रीम हमें चाहिए, यानी कि ट्रेट्रा पैक की जो क्रीम होती है आप वो ले सकती हैं। 2 to 3 tablespoons भरकर हमें फ्रेश क्रीम चाहिए। रोज़ वाटर हमें चाहिए 1 teaspoon। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप 1.5 teaspoon भी ऐड कर सकती हैं। ये कुल्फ़ा को एक ज़बरदस्त सा टेस्ट देगा। पिस्ते हमें चाहिए 2 tablespoons, इसे हम बाद में क्रश कर लेंगे। बादाम हमें चाहिए 2 tablespoons, ये भी हम क्रश कर लेंगे। और इसके अलावा इलायची पाउडर हमें चाहिए 1 teaspoon। आप सिंपल इलायची को लेकर उसके छिलके उतार कर और इसके जो बीज हैं इसको आप ग्राइंड कर लें, तो आपका इलायची पाउडर बन जाएगा। अब हम एक पॉट लेंगे और उसमें दूध डालेंगे। याद रखें कि या तो आप इसे नॉनस्टिक बर्तन में पकाएं और या फिर ऐसे किसी बर्तन में पकाएं जिसका बॉटम थिक हो। हम इसे पकाएंगे, मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे पकाना है, ताकि ये नीचे ना लगे, साइडों पर ना लगे। और तकरीबन 15 मिनट पकाने के बाद हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद हम इसे फिर से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें इलायची पाउडर डालकर चम्मच चलाते हुए इसे पकाएंगे। इसे फिर से मुसलसल पकाना है चम्मच चलाते हुए, तकरीबन 10 मिनट, 10 से 15 मिनट इसे हमने मज़ीद पकाना है। मैं बीच में थोड़ा सा सैफ्रॉन कलर यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास सैफ्रॉन हो तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं उसका यूज़ नहीं कर रही। जब ये थोड़ा सा पक जाए 10 मिनट और इसके बाद ये गाढ़ा होने लगे, तो हम इसमें खोया ऐड करेंगे। खोया मैंने तोड़कर इसमें डाल दिया है और इसको हम स्पून की मदद से, यानी कि लैडल की मदद से, हम इसको ऐसे मैश करेंगे। और इसके बाद हम इसमें बादाम और पिस्ता जो हमने क्रश किए थे, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, तकरीबन 10 मिनट हमने फिर से इसे पकाना है, ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। और अब हम इसमें, ये आप देख सकती हैं कि ये इसकी कंसिस्टेंसी इतनी हो गई है, और अब हम इसका स्विच ऑफ कर देंगे फ्लेम का। और इसके बाद हम इसमें रोज़ वाटर ऐड करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 1 घंटा के लिए मैंने इसे अच्छी तरह से ठंडा होने रख दिया था। और हम कुल्फ़ी मोल्ड्स लेंगे या फिर ऐसे करके सादे प्लास्टिक कप्स ले लेंगे, जो कि डिस्पोजिबल कप्स मिलते हैं। तो इसमें हम ये मिक्सचर ऐड करेंगे। याद रखें कि ये कप्स जो हैं ये आपने प्लास्टिक वाले ही लेने हैं, जो पेपर कप्स होते हैं वो नहीं लेने। और इसके ऊपर हम सिंपली ऐसे करके कोई प्लास्टिक शापर या फिर रैप चढ़ाएंगे और इसके ऊपर हम रबर बैंड लगाकर इसे सिक्योर करेंगे। अच्छी तरह से इसे सिक्योर कर लेने के बाद हम इसे फ्रीज़ करेंगे तकरीबन 12 से 14 घंटे, लेकिन अगर ज़्यादा गर्मी है तो आप इसे 24 घंटों के लिए भी फ्रीज़ कर सकती हैं। तो 24 घंटों के बाद ये हमारी कुल्फ़ी रेडी है। आप इसे हाथों की मदद से ऐसे करके रब कर सकती हैं। जब इसे निकालना हो तो आप हाथों की मदद से इसे रब करें, या फिर गर्म पानी में इसे 2 से 3 सेकंड्स के लिए ऐसे डिप करें और इसके बाद इसका प्लास्टिक रैपर जो है वो हटा दें।
और इस तरह से कोई स्टिक लेकर या आइसक्रीम स्टिक लेकर इसके बीच में हम इस तरह डालेंगे और थोड़ा सा प्रेस करते हुए हम कुल्फा को निकालेंगे, प्लेट में डालकर सर्व करेंगे। इसी तरह सारे निकालेंगे। निकाल कर इसको मैं आपको कट करके दिखाऊंगी, आप देख सकती हैं कि कितना सॉफ्ट और इजी नो चन कुल्फा हमारा तैयार है। आप इसे एज इट इज़ भी सर्व कर सकती हैं या फिर आप इसे कट करके भी सर्व कर सकती हैं। थोड़े से बादाम पिस्तों से मैंने इसे गार्निश कर दिया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।